एवरीवन, वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश की क्लास में हमारी बुक द मैजिक कारपेट का लेसन नंबर 9, जो कि एक पोयम है द स्टार, ये रिसाइट करने वाले हैं और साथ ही साथ इसका पोयम का मीनिंग भी जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये पोयम के पोएट कौन है, यानी कि इस पोयम को लिखने वाले कौन है। इस पोयम को लिखने वाले पोएट का नेम है एन टेलर एंड जेन टेलर। ठीक है, दो हैं एन टेलर एंड जेन टेलर द स्टार। बचपन में जब आप लोग छोटे थे तब आप लोगों ने बहुत बार ये पोयम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो ये पोयम उसी वही देख, जब आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग की जो फोर लाइन्स है वही नजर आएंगी। नीचे उसके आगे की पोयम आपको दी गई है जिसका मीनिंग मैं आपको आज पूरा समझाने वाली हूँ। सो लेट अस रिसाइट नाउ। पहले हम इसे रिसाइट करते हैं फिर हम इसका मीनिंग जानेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, How I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle all the night. Then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. In the dark blue sky you keep, and often through my curtains peep, for you never shut your eye till the sun is in the sky. It is your bright and tiny spark, lights and traveler in the dark. Though I know not what you are, twinkle twinkle little star. तो आप लोगों ने मेरे साथ ये पोयम रिसाइट की ना, चलिए अब हम इसका थोड़ा सा मीनिंग जानते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल मतलब आप सभी को पता है ना क्या होता है। ट्विंकल का मतलब होता है चमचमाना, है ना, टिमटिमाना यानी कि। तो लिटिल स्टार है जो ट्विंकल कर रहा है। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, और मैं सोच रहा हूँ उसे आसमान में देख कर कि तुम की वो क्या है और कैसा है। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, और आसमान में बहुत ऊपर जो स्टार है वो किसी डायमंड की तरह लग रहा होता है, हीरे की तरह जो कि टिमटिमा रहा है, चमक रहा है। When the blazing sun is gone, blazing का मतलब क्या होता है, blazing का मतलब होता है बहुत ही चमकीला और गर्म। जब बहुत ही चमकीला और गर्म जो सूरज होता है वो चला जाता है। And when he nothing shines upon, और आसमान में कुछ नहीं रहता चमकने के लिए, आसमान काला हो जाता है। Then you show your little light, twinkle twinkle all the night, तभी आसमान में बहुत सारे तारे निकलते हैं जो twinkle twinkle यानी कि हल्के हल्के चमक रहे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं, और पूरे आसमान में रोशनी छा जाती है। Then the traveler in the dark, traveler यहाँ पे कौन है, traveler का meaning क्या कौन होता है, जो भी वहाँ से जो भी रास्ते से गुजरने वाला जो भी इंसान है, जो ऐसे अंधेरे में एक traveler वहाँ से गुजर रहा है। Thanks you for your tiny spark, तो जब वो वहाँ से अंधेरे में से गुजर रहा है तो उस तारों की टिमटिमाती टिमटिमाहट से उसको जो रोशनी मिल रही है अंधेरे में, उसके लिए वो तारों को थैंक यू करता है। ही किड नॉट सी विच वे टू गो इफ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर तारे आसमान में नहीं चमके, नहीं टिमटिमाए और रोशनी नहीं हुई तो उसे पता नहीं चलेगा उस ट्रैवलर को कि उसे किस रास्ते से जाना है, इसीलिए वो थैंकफुल है इन स्टार्स का। इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप, एंड ऑफन थ्रू माई कर्टन्स पीप, ये जो डार्क ब्लू आसमान है, जो इतना ब्लू हमारा जो स्काई है, एंड ऑफन थ्रू माई कर्टन्स पीप, जो कि मैं अपने कर्टन्स को हटा के देखता हूँ। फॉर यू नेवर शट योर आई द टिल द सन इज इन द स्काई, तब तक नज़र नहीं आता है, ये स्टार्स तब तक नज़र नहीं आते हैं जब तक सन जो है वो स्काई में रहता है, तब तक ये स्टार्स नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है ये स्टार्स जो है वो नज़र आने लगते हैं, और जो तारे हैं डायमंड की तरह आसमान में टिमटिमा रहे होते हैं। इट इज़ योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क, लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क, यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, स्टार्स को बोला जा रहा है कि ये स्टार्स की ब्राइट चमकीली और टाइनी स्पार्क ही होता है, यानी कि बहुत तेज़ रोशनी होती है, तेज़ नहीं कहेंगे हल्की कहेंगे क्योंकि टाइनी लिखा हुआ है, छोटे छोटे तारों के टिमटिमाहट से जो रोशनी हो रही है। लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क, इसी की वजह से इतने अंधेरे में जो ट्रैवलर है उसको रोशनी मिल रही है कि वो अपने रास्ते जा सकता है। थो आई नो नॉट व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल
लिटिल स्टार। अब मैं जान चुका हूँ कि क्या है ये, एक लिटिल स्टार। सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये पूरी पोयम किसके बारे में थी, स्टार के बारे में थी, कि किस तरह से जो स्टार्स हैं वो आसमान में टिमटिमाते हैं, बिल्कुल डायमंड की तरह लगते हैं, डायमंड की तरह आसमान में टिमटिमाते हैं, और जब ये दोपहर में नज़र नहीं आते, जब तेज़ रोशनी और गर्माहट देने वाला जो सन है वो चला जाता है, तब हमें ये स्टार्स नज़र आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अंधेरा है उसमें हल्की हल्की रोशनी होती है, जिससे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, एक ट्रैवलर है जिसे हल्की हल्की रोशनी मिल रही है और वो अपने सही रास्ते जा सकता है। तो ये हमारी छोटी सी एक पोएम थी जिसे हमने रिसाइट भी किया और इसका मीनिंग भी जाना। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस पोएम को अपनी बुक से एक बार रिसाइट ज़रूर करेंगे, ठीक उसी तरीके से रिसाइट करेंगे जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये पूरी पोएम रिसाइट करवाई है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को ये पोएम मज़ेदार लगी होगी, और आप अपने जब आप छोटे बच्चे थे तब आप अपने छोटे छोटी बचपन की यादों में खो गए होंगे, क्योंकि ये पोएम हमने बचपन में कई बार की है। सो स्टूडेंट्स रिसाइट ज़रूर करिएगा पोएम को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।